अस्सलाम वालेकुम, कैसे करिए यूट्यूब फैमिली। मैं चैनल वाला जहां पर हमेशा बात रहा था आपसे दिमाग पर करें हमें। और आज का अगर स्टार्ट करते हैं तो आज का मैं चेता पेचा के मेरी ड्रेसिंग और ज्वेलरी और मेकअप हर पर जो है ना व्लॉग बनाएंगे आज। मतलब किसी किस्म का कोई जो है ना वो रिव्यू क्रीम वगैरह या और कोई गिफ्ट वगैरह नहीं है, इसी पर व्लॉग बनाएंगे कि मेरी ड्रेसिंग कैसी लग रही है और ज्वेलरी और मेकअप कैसा लग रहा है। इस पर अच्छे व्यूज आ जाते हैं तो इसलिए मैंने इसी पर जो है ना व्लॉग बनाया। तो आप लोगों ने फुल लेफ्ट ऑफ व्यू देना है और लाइक करना है, तो मेरे टैलेंट की और मेरी मेहनत की कदर करनी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो करके स्टे कीजिएगा, और जितने भी पूरे वर्ल्ड से पूरी दुनिया आ रही है मेरी वीडियो देखने, आप भैया से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में स्टे किया करें, मुकम्मल देखा करें, तो लाइक किया करें। तो मैं भी आप लोगों की तरफ फुल लेफ्ट व्यू के साथ आऊंगा। तो सबसे पहले हम खड़े होकर पहले हम दिखा देते हैं, बाद में हम जो ना सीटों सीट कर जाएंगे बस बैठ जाएंगे। तो ये है आज का लेफ्ट व्यू, तो ये है आज का ये रुतबा। और ये मकाम जो है ना पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की और बहुत स्ट्रगल मतलब की, बहुत नुकसान भी उठाया इस मकाम तक पहुंचने के लिए। वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को जो है ना बताएंगे। तो अभी यही कोशिश है कि मेरा वो नुकसान जो है ना पूरा हो जाए, कुछ हासिल हो जाए। तो जितने भी भाई बहन देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं मुझे और लाइक कमेंट्स करने वाले हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती टाइम से जो है ना टाइम देते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में कोई किसी को टाइम नहीं देता। सबकी बस भागा भाग ये लगी है, अपने कामों में सब जुड़े हैं। तो जब बैठेंगे तो फिर आपको नजर आएगा एक कवर। अभी आपको जो है ड्रेसिंग दिखाते हैं। तो बहुत ही ज्यादा बड़ा सा आप लोगों ने कमेंट्स में दाद भी बताना है कि कैसा अलग है। तो आप लोग अगर जो ना सामने बैठ कर जो दिखाते हैं जो है ना वो मतलब हमें कवर और बातें करते हैं, वीडियो को प्रॉपर देखिएगा और स्टे कीजिएगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, अभी आप लोगों के सामने आकर बैठ गए हैं। तो यहाँ पर मेरी आप ही भी देखती हैं मुझे, आप ही आपको अगर वीडियो अच्छी लगे और फुल लैपटॉप भी दे दीजिएगा और अगर कुछ कितना कीजिएगा और देखिएगा कि कैसी लग रही है आज आपकी सोनिया। तो सोनिया पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुकी है, मशहूर हो चुकी है। तो यह मेरी माँ दी दुआवां ने कि मैं मुकाम नू पाया तो मैं इतों तक पहुँची, तो अल्लाह के दिते हुए जैंटर के मुताबिक जरा काम भी कर लिया, तो मैं बहुत खुश हाँ। तो अज मेरी माँ भी मेरे नाल है, तो मेरी भैन भी मेरे नाल है, तो मैं माशा पूरा मेरे नाल है, तो मैं बहुत खुश हाँ अपने चीज़ को वेख के, तो अपने रब के दिते हुए जैंटर वेख के। तो मेरे रब ने मैंने जिस तरह ही बनाया अद्धी कुड़ी अद्धा मुंडा बनाया, तो मैं बहुत खुश हाँ। तो आने वाली जिंदगी मेरी कल ही गुजरनी है, अजय तो मेरी ना माँ मेरे नाल, मेरी फैमिली मेरे नाल है। आने वाली जिंदगी पता नहीं मेरी कितने होएगी कितने नहीं होएगी, तो चलो कोई गल नहीं, रब तो मेरे नाल ही होना है ना, उन्हें मेरा साथ नहीं छड़ना है, क्योंकि जरा पैदा करता वही मारता है, तो वह हमेशा अपने बंदे के नाल ही होंगे। बहरहाल मैं बहुत खुश हाँ, तो मेरी आप ही मैनू देखते ने तो फुल सपोर्ट करते हैं, तो मेरी अम्मी भी मैनू देखते हैं मैं फुल सपोर्ट करते हैं। तो मैं अपनी अम्मी के नाल ही छोटी जी वीडियो बना के तुम दिखावगा, सदे मैं कल्या जरा बना दिया हाँ, तो तुसा फुल जरा सपोर्ट करनी है कि मैं जल्द तो जल्द कुल हासिल हो सके। तो अब तो तुम देखना है, क्योंकि मेरी सारा दिन की मेहनत होंगी है, क्योंकि एक दो दिन का मेरा जरा काम नहीं, तो तुम इस चीज़ की मेरी मांग को आए कि मेरी सारा दिन मेरा लग जाता है,
मतलब सेट अपने आप नूं काटदे आं ते बहुत मेहनत भरा मेरा व्लॉग हुंदे ने ते तुसी फुल एफ डब्ल्यू दो जक वीडियो चाह रहे हो ते मेरे टैलेंट दी ते मेरी मेहनत दी जिन्ना कदर करो ते हुण मैं जो कुछ भी है वा तुहाडे सामने आ ते मेरी जिंदगी खुली किताब वांगरा वे। मैं कदी अपने रब नूं गिल्टी फील नहीं कीता है ना मैं कदी रब नूं जिताया है। मैं ही रब नूं कहना कि मैनूं जिस तरह बनाया मैं होश हाँ ते मैनूं सेहत तंदुरुस्ती आ दी ते उस तो बाद मेरी जिंदगी च रिजक आ दी पैसे की कमी ना आए ऐ जिंदगी जिहड़ी है मैनूं दई पैसे की कमी ना आए ते सेहत तंदुरुस्ती की कमी ना आए जे मेरी जिंदगी है वे। बाकी कल्या रहन ची बहुत ही अच्छा लगता है बहुत खुश हाँ मैं कल्या अपनी जिंदगी च अगों भी मैं बड़ा ही खुश रहना है। तो तुस अज मैनू ए दसना है कि ड्रेसिंग जी मैं की है मेकओवर जरा मैं किया है इन्नी मतलब सारी दिहाड़ी मैं ला के अपने आप में किया है मेकओवर है ज्वेलरी सैट करना कपड़े सैट करना तो बहुत ही मेहनत होंगी है। तो तुम मेरे कमेंट से सारिया मेरिया भैनों ने ही दसना है कि मैं किस मतलब लग रही हाँ सोहनिया तो सोनिया ना मैनू बचपन तो पसंद सी कि मेरा अपना शौक से कि मेरा ना ए हों तो मैं अपने जेंटर में छुपा के रखा अपनी फैमिली के कोलो मैंने पता है कि चल मेरी फैमिली एक्सपैक्ट नहीं कर सकती मैं चलो कोई गल नहीं जिंदगी का एक अद्धा हिस्सा निकल गया हूँ मैं क्या चलो अपने आप एक्सैप्ट कर ही लैने जो तो सारे भैन भरा विह कर ना तो फिर मैं चलो मैं अपने आप एक्सैप्ट कर लैना तो मैं भी थोड़ा जहा अपने लिए जी लैंना वा कुड़ियाँ अपने घर होश रहन विह करा के मुंडे अपने बुढ़िया ना होश रहन विह करा के अपने बाल बच्चे तो सारे होश रहन मैं अपने रब की जात के नाल कल्या बहुत खुश हाँ तो मैनू कोई नहीं है टेंशन इस चीज़ की तो जिन्होंने परेशानी होंगी है तो मैं ही कहंगा कि अल्लाह ने हिदायत दे कि एक मजलूम नू एक्सैप्ट करन दी हिदायत दे क्योंकि अल्लाह की देने किसी भी घर गए बच्चा पैदा हो सकता है हवा जसरा बच्चा पैदा हो सकता है तो उस माँ प्यो ने उस भैन भरा उन्हें अल्लाह तौफीक दे हिम्मत ताकत दे कि अपने गए बच्चे नू अपने ख्वाजा सरा बच्चे नू एक्सैप्ट कर सकन बेइज्जती का बायस ना समझन ते उरे टैलेंट नू वेखन उन्हें प्रमोट करन ते किसी रुतबे तक किसी मुकाम तक उन्हें पहुँचा देन तो अपनी आने वाली जिंदगी नू हंसी खुशी के नाल गुजार सके। बेइज्जती का बायस कोई भी इंसान दुनिया ते नहीं होंदा ऐ सिर्फ हाडे मुसलमान माशरे दे विच सोच है जे ख्वाजा सरा नू बेइज्जती का बायस समझदे ने या गे बॉय नू समझदे ने क्योंकि यह चीज़ इंडिया में नहीं वेखी जाती या बाहर के मुल्कों से नहीं देखी जाती। रब ने जिन्हों जिस तरह की रूह पानी है जिस तरह के जज्बात फीलिंग रखने ने जिस तरह का उन्हें उन्होंने बनाना है उन्हें उस राय जीना है उस बच्चे की कोई गलती नहीं होंगी ना उस माँ की कोई गलती होंगी ना उस भैन भरावों की कोई गलती होंगी है रब के काम ने रब जानता है तो रब के काम समझ के अपने बच्चे एक्सैप्ट कर लवो जो थोड़े घर भी ख्वाजा सरा या गे बच्चे हैं अपने बच्चे ने एक्सैप्ट करो उन्हें सपोर्ट दवो तो वह कभी भी थानू छड़ के नहीं किसे जाएगा ना किसी डेरिया ते जाएगा। मेरा रब इस चीज़ का गवाह है कि मैं अद्धी जिंदगी गुजार छड़ी है लेकिन मैं कभी किसी डेरे ते नहीं गया तो ना मैं कभी किसी फंक्शन करन गया कुछ भी नहीं मैं किया हाले तो तुहाडे सामने भी मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं ना मेरे टैलेंट की कमी है मेकअवर करन च मेरे हथां दे विच अल्लाह मेरे टैलेंट रख्या दा मेकअवर करन दा कुकिंग करन दा घर गृहस्थी करन दा मेरे च सारा टैलेंट है तो मैं यही कहाँगा कि ना मैं मुंडा वा तो ना मैं कुड़ी हाँ मैं तीसरी जिनस के दर्जे विच हाँ तो मैनू बहुत होश है कि रब ने मैनू तीसरी जिनस के दर्जे च रखिया तो कुछ सोच समझ के रखा उन्हें तो मेरी यही दुआ है समाशरे वास्ते या अपनिया फैमलिया वास्ते या और जिन्या फैमलिया ने उन्हें कि अल्लाह सारियां हदायत पाए तो अल्लाह के कमां सारे एक्सैप्ट करन बुरा भला ना किसी नूं कहन अल्लाह जो करदा बेहतर करदा रब दी जात दा खौफ खाओ मजलूमां नूं प्यार करो एक्सैप्ट करो मारो ना ना नूं कतल ना करो उहनां दी जिंदगी उहनां दे जैंटर दे पताप वांग जीन दो जिंदगी दुनिया ते किसी ने बह नहीं रहना सब ने छड़ के टुट जाना ते मेरी वड्डी आपी ने मैनूं प्यार किया सपोर्ट किया मेरी माँ ने मैनूं सपोर्ट दित्ती प्यार किया ते मैं अज तुहाडे सामने सच सवर के बैठी दी हां सोनिया बन के ते सोनिया नूं तुहां फुल सपोर्ट देनी एफ डब्ल्यू देना है कि आने वाले वक्त च मैं थोड़े नाल बनी रहा तो मैं एक दो दा इन्ना काम नहीं है सारी जिंदगी दा काम है तो नैक्सट इंशाल्लाह थोड़े नाल मुलाकातां होंदियां रहनगियां तो तुसी मेरे जिन्ने भी ब्लॉग होंदे ने फुल एफ डब्ल्यू देना है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ते अल्लाह हाफिज़।